अपने स्कूल वाले बच्चे का बैग खोलिए, उसमें से किताब निकली थी जिसका नाम है दीनिया, उसे खोलिए, दुनिया देख रही है क्या देख रही है, उसमें लिखा होगा कि बूढ़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर की मोहल्ला है। पहल की तिलावत से मुतासिर होकर हजरत उमर ने कलमा पढ़ा। बाबा जी मुद्दत के बाद मालूम मिल बैठे अमन कमेटी के मेंबर बैठे हैं, मुद्दत के बाद हजरत उस्मान दारे सलाम में आए, भी सलमान आए, अबू दारे भी खिलाफ आए, हमारे दलाल गुजारे हुज़ैफ़ा इब्न मसूदा, यानी बिनतरतीब सहाबा किराम बिनतरतीब इस्लाम के दायरे में आते रहे। तो सहाबा किराम ने ईमान लाया था ना, ईमान लाया था, उनके हमने कहा एना करा दो से नो आया, इसका मतलब अब तब तर्जमा और तफसीर ये होगी, अल्लाह कह रहा है ए अबू बकर जी, ए उमर जी, ए उस्मान जी, ए सलमान जी, ए निगरान जी, ए अम्मार जी, ए इब्ने मसूद जी, ए अबू बकर से लेकर अबू हुरैरा तक मोहम्मद के सहाबियों जी, फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ सरदार और नौकराने सरदार गुलामाने सरदार से पूछा कि बताइए
पाजी सादिक का माना तो सारा मतलब कह रहा है सच्चा, ये बात कैसे बिल्कुल सही है। अच्छा तो सादिक सच्चा अगला लफ्ज है अमीन, ये ना क्या मतलब बाबा जी मानता मतलब बाबा जी अपने पुत्र के नाम रखा है ये आ की एच हो गई उनकी अम्मा शिया चौपड़ा के बाहर। इसका मतलब यह है मक्का के बदमाश गुंडे डाकू लुटेरे काफिर शराबी जानी मतमिन होकर अपनी अमानते जिसकी गोद में रखे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं और अल्लाह मोहम्मद जैसी अमानत जिसकी गोद में रखे उसे अबू तालिब ईमान वालों जी
सच्चे के साथ होता हो ते काम भाई कोई गल नहीं कर रखो ते काम भी सौखा क्यों कि सारे शिया सुनी उठो पाक मुस्तफा का दामन पकड़ो हुक्मे कुरान पूरा चूंकि कुरान कहता है सच्चे के साथ लेकिन क्या करें कुरान ये नहीं कहता कि सच्चे के साथ कुरान कहता है सच्चों के साथ सोनी दाद दे आजे हो रही आवाज से इसका मतलब है निगाहे कुरानी में कुछ साबित है जो मोहम्मद जैसे बच्चों को फायदा हो अगे पता नहीं पता लगते
मैं किबला उकाबा सैयद आलम की मौजूदगी में आपको बताता हूँ कि इसका कुरानी नाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकौल तकून अतू बनाना वरा हूँ अनिसाद मनसाकू वह अनफुसना अनफुसकुम सुमनत तहिर बनाकर दान बना काजबीन। हम अपने बेटों को अपनी खवातीन को और अपने जैसों को लाते हैं और फिर करेंगे अल्लाह की लानत झूठों पर। इसके फौरन बाद इस मैदान का नाम है बाबा जी सोना बोले सारे क्या इन्नहाजा लाहवल कसासुल हक। मैं मेरे अभी ये सियालकोट के हलाली जिसे मैदान मुबाना कहते हैं ना, हमने इसका पुरानी नाम मैदान हक रखा है। तेरे बाबा टाइम कहना कि तेरे नजदीक हक क्या क्या है। बाबा जी लग रहा कहना आगे बिस्मिल्लाह ऐसी खामोशी की आपके सांसों के बाद अंदर तक आए ताकि मैं दो मिनट के बाद आपको सलाम करके जाऊं। सर कहते हैं पहला हक सूरह यूनुस दसवां सूरह वज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम अल हक। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी मैं मेरा भी इन्हें पता सबसे पहला हक मैं अल्लाह हूं। अली हक्का फिराने वाले एक बार ऊंची हक होगी अल्लाह आवाज थोड़ी पानी अल्लाह सबसे पहला हक अल्लाह है। सूरह आल इमरान वनसला अलैक किताब बिलहक का मेरे हबीब जिसे ये हलाली कुरान कहते हैं ना, हमने उसका नाम भी किताब हक रखा है अल्लाह कुरान। सूरह सफ वनजी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीन हक फरमाया मेरे हबीब से ये लोग दीन ए इस्लाम कहते हैं, हमने उसका नाम भी दीन हक रखा है मुसलमान कहता ना कयामत का दिन, हमने उसका नाम भी यौम हक रखा है। पढ़ो कुरान जी अल्लाह कुरान दीन कयामत किन्ने हो गए पैंतर पाक की कसम कोई लड़ाई नहीं कोई जित नहीं। अगर कुरान यहां ब्रेक लगाता हम भी कहते हक चार हक
कयामत हक है, मनवाए मुस्तफा है। बाबा जी मैं जुमला कहूंगा, सदाब की नगरी है, नाम भी कोली पीछा है, इसका मतलब है शाओ का डेरा है, शाओ की कोली है, सदाब की नगरी है। मैं सदाब की नगरी से आया हूँ और सदाब की नगरी में आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं उम्मीद कि कोई ऐसा हरामी हो जिसकी व्यवस्था नहीं हो, बस ऐसा मुझे भाई का जुमला खा जाए। इसका मतलब मेरे मोहम्मद ने मनवाया कि ये चार हक है, आओ फिर शहीदों के मौतों से पूछो कि मुर्दा हो जाओ क्या है। और मेरे हबीब तूने तरफ
से लानत का जारी होना, यानी दो पार्टियां खड़ी होकर करेंगे लानत, लानत जाएगी उस पे लानत का। ये तर्जमा है लफ्ज़े मुबाहला का। ये 2000 साल है पवाली कहना पाएंगे तेरे फरवरी के नहीं है सत्य 14 तुझे भी सुधार के नहीं है 14 2022 के मुताबिक मुबाहले का तर्जमा करने लगा हूं। अगे सुनया है ना बोल गलत हो जो चोर की सजा मिली सही हो गए सोना बोला है मेरा पुत्र वादा दे बाबा जी मिलके बताइए क्या मैदान मुबाहला में खंजर चला था नहीं तलवार एक बट्टा रोड़ा वहां जाके क्या करना था बाबा जी सड़के जाओ तो बाबा जी फिर क्या सर मौला आपके तो फिर तो फिर 2022 में तर्जमा क्या बनेगा क्योंकि जहां पे गुफ्तगू करनी हो उसे 2022 में क्या कहते हैं कल्पात जो बुजुर्ग बैठे हैं डेरा डब्बा परिया पंचायत डेरे का तर्जमा सही तो मैं तर्जमा जानता है डेरे वाले शुरू से सही है ना लोगों होते अपने मतलब खेच कर बनाए ना वैसे सादात ही को देना कैसा फिर उसे बंदे आने लड़ाई लड़ी हो रही जाती दो पार्टियां जानी बाबा जी दाद भी चाहिए दुआ चाहिए जो मुजरम होता है मालूम शाह जी गलती हो गई तो बचा गया पार्टी अरे क्या और बाबा जी ने कहने चला चलता हूं अगो मैं सही गारंटी देता हूं अगो नहीं करता मेहरबानी अगर आप ना होते तो मैं हरा नंबर 2 क्या ईसाइयों को शक था मुस्तफा की सदाकत पे कुरान सूरह राफ 7वां सूरह है जिसमें 157 इसमें दाहिने हाथ में अल्लाजीना शक्कत न रसूल नबी चलो नहीं कहता कि ये कुरान मकतूब है नौ से तौरात बने जी अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब ये ईसाई इंजील से जानते हैं मोहम्मद कल भी सच्चा था मोहम्मद आज भी सच्चा है इसका मतलब ये है कि मुस्तफा सच्चा है वो जानते थे फिर चैलेंज किया ईगो कम होगी ऐसे लफजा के वड्डा नारा में आप भी हल्का है दिल ते जाने जाएंगे ये ऐसा मतलब ये होता है कि हम मौलवी अल्लाह को समझते हैं अगली गल असा मेरे ख्याले कोई नहीं कर रही है कल ही लगे अल्लाह सदात की इज्जत बच में ना फरमाए हमारे काम में भाई हमारे ग्राम भाई की मौला तो फिका के शहर में इजाफा फरमाए कोई मौल शिक्र हासिल डेरा टेबल टॉक मैदान क्यों एक जब ईसाइयों को पता है मुस्तफा सच्चा है सच्चाई का चैलेंज कबूल क्यों किया ए आप अवली छोड़िए जो हमेशा ही खुलती है आले नबी के सामने दुआओं के लिए वरना न्याजे और पैसे तो अल्लाह इतने देता है कि उनसे गिने नहीं जाते पर इन शुक्र गुजारना चाहिए ना शुक्र नहीं देता इज्जत अल्लाह ने बहुत दिया है दुआओं की कमी है बेखसूस आले जहरा की सोनी दुआओं में बर्तक होना चोरी खोल करता हूँ पैसों के लिए नहीं दुआ के लिए वाला हो गया जी सैयद ने दुआ दी बाबा जी फिर मैंने 100 तस्वीरें पढ़ी कि वजह क्या है मुबाहला का तर्जमा बैठ कर बातें मैदान की सारे सोना बोला थे कुरान की कसम नतीजा यही निकला था कि ईसाई सुन चुके थे मोहम्मद के साथ कुछ बंदे ऐसे हैं जो मैदान में टिकते नहीं हैं और मौला के हाथों सामने रखे सैयद का बाबू ने मारे बाबू जी का अल्लाह आपके हाथों सामने रखे आज दिन में खुश होकर कहीं